जिन्ना दुख तुसी अपने बच्चों दे रहे हो ना उस तो कितने ज्यादा दुख थोड़ू मिलने गए। याद रखना इस गल रहन दो जेके भाजी मम्मी जी ने गल करन दा तो कोई फायदा ही नहीं इन्हों तो असं दिसदे ही नहीं इन्हों तो सिर्फ अपना प्यारा पोता सम्राट दिसदा। चलो ये घर के मालक ने नाले असं कौन होंगे हैं इन्हों बहस करने वाले। चलो जेके भाजी इतों चलते हैं आ जाओ की है दादी माँ नहीं सुनी ना गल किसी ने गल की सुननी सी जेके अंकल तो दादी माँ भी बुरा भला कह के चले गए। देखे दादी माँ मैं तो पहले कहा सी कोई फायदा नहीं किसी ना गल करन दा हुण जो होना सी हो गया हुण किसी नूं समझाउण दी कोई लोड़ नहीं किसी ने थोड़ी गल नहीं सुननी। वो तो मैनूं पहला भी पता सी गीत पर तेरा उदास चेहरा नहीं मैं तो देखा गया इस करके मैं उन्हां नाल गल करन आ गई। नहीं दादी माँ मैं उदास नहीं हूँ तुसीं मेरे नाल फिर मैं उदास क्यों होवांगी। हुण तू मेरे नाल भी झूठ बोलेंगी गीत। नहीं दादी माँ मैं झूठ नहीं बोल रही। जे झूठ नहीं बोलती तो उस प्रोग्राम विच ढोल बजाण क्यों नहीं जांदी तू। पर उहदी की लोड़ है दादी माँ ते फिर उस प्रोग्राम वास्ते मना करन दी भी की लोड़ है जे तू ठीक है तो ढोल बजाण वास्ते मना क्यों कर रही है। सारी दुनिया तेनू गीत ढोली दे नाम तो जानती है अपना ढोल बजा गीत ढोली। ठीक है दादी माँ जे तुसी कहने हो तो मैं जावांगी। थैंक यू गीत मैम थैंक यू सो मच। शुक्रिया तो थोड़ा सर तुसी मैनू अपने कैफे च मैनू ढोल बजाने का मौका दिता। सोनी था ना मलहा तेरी पसंद सोनी तो होगी वैसे भी मैं उतना कोई ज्यादा जगह माता याद नहीं है सिमोन। पता तू ही मैं इतने इस रेस्टोरेंट से लेके आया करता सी। कोई गल नहीं जो तेन कुछ याद नहीं था मैं तेन कितने गवाचण नहीं दिंदी मैं हाँ ना तेरे नाल। कुछ ऑर्डर करिए मलहार की खाएंगा सिमोना जी तुसी थोड़ी देर बाद आए क्योंकि कुछ ऑर्डर करन तो पहला मैं तेनू वो देना चाहना जो मैं तेरे लिए लेके आ खास चीज मेरे लिए ओके बस है कुछ खास चीज सिर्फ मेरी सिमोन ले खास चीज पर है की मलहार तो आप पे खोल के देख ले तो मेरे लिए मंगलसूत्र लेके आया मलहार। हाँ मैं क्या सी ना सी हूँ कैसी अपने रिश्ते की शुरुआत नवे सिरों करांगे हूँ इस मंगल सूत्र तो वधिया चीज केड़ी हो सकती है नवे रिश्ते की शुरुआत ले चल तू हूँ इन्हू पाके देख। मल्हार ये मंगल सूत्र है इन्हू तो तू अपने हाथी मेरे गले में पाएगा। मैं जरूर Thank you.
मल्हार मल्हार की होया तेनू? तू ठीक ते है ना? की होया? पता नहीं सो, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। ढोल दी आवाज मेरे को जदी नहीं जाती। गीत मल्हार, मैनू जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। चल असी तो चल दें। हाँ शोर शराबा सुन के पता नहीं मेरा सिर फटना शुरू हो जाता। सिमोन हम रियली सॉरी। सिमोन हम सॉरी, मेरे कारण साढ़े दोवां दा डिनर खराब हुआ। माफी वाली ये विच की गल है मल्हार? कोई गल नहीं ना, मैनू वैसे भी जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। असी इतों चलते हैं। पर कुछ नहीं मल्हार, चल इतों चलिए। मल्हार तू तू चल। ये तो किसी का मंगलसूत्र है। आ देखो। नहीं ये नहीं वधिया, आ भी नहीं ठीक। ठीक है, आ बेस्ट है। देखो यही डिजाइन बनवा देंगे, बहुत सोना लगेगा। ठीक है चल। वाह वाह गीत जी, कमाल दी परफॉर्मेंस सी। तुझे तो समय बन दिता। मैनेजर साहब ये ना किसी का मंगलसूत्र डिग्गिया मिला। क्यों मैं पूछदा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सारे जने इधर ध्यान दो, सानू ये मंगलसूत्र मिले है। अगर ये किसी का हैगा तो प्लीज मेरे को आके ले सकता है। पक्का किसी का नहीं है? पक्का किसी का नहीं है? किसी का मैनेजर साहब मैं लगता है मालक चले गए हैं। कोई गल नहीं, मैनू दे दो। जब भी कोई आएगा इनू लभदा लभदा उन्होंने दस दियो कि मंगलसूत्र गीत ढोली कोल है, मैं इनू सामभ के रखूंगी। की कहा? वो गीत ढोली उस रेस्टोरेंट च सी? हाँ जी कमपुर। पर तुसी ये गल इन्नी हैरान हो के क्यों सुन रहे हो? तुहानू तो यह गल पहले ही पता होनी चाहिए सी ना। पहले ही पता होना चाहिए सी की मतलब? कमापो तुसी 24 घंटे मेरा हाउस विच की करते रहते हो? एक गीत तो अख नहीं रखी थी तुहाडे कोलों कि वह कित्थे जा रही है, कित्थों आ रही है। वह मैनू मैनू कहड़ा, वह सारा कुछ दस के जाती है। वाह कमापुआ, यह तो तुसी बहुत ही सियानी गल की। वह गीत तुहाडे लई गेट ते रजिस्टर रख के जाया करे, जिदे विच लिख के जाया करे कि वह कित्थे जा रही है, कित्थों आ रही है। कमापुआ जी तुसी इस गल का ध्यान रखते ना तो मैनू फोन कर देंगे ना कि वह रेस्टोरेंट विच आ रही है, तो मैं उत्थे मल्हार नूं लैके ना ही जाती। मैनू जो कुछ पता हुंदा तो मैं तैनू दस ही देना सी ना। अच्छा इहदा मतलब है कि मैं तैनू फ्री च पैसे देई जावां कि तुसी मेरी कोई हैल्प ही ना करो? एक ना तू आ बार बार पैसे दा मिणा मारती रहनी है। कोई नहीं, अगे तो मैं ख्याल रखांगी। ठीक है तू सोच तू अगे की करना। इदा बच बच के तो कम नहीं चलना। अगे की करना है कमापुआ वह तो मैं सोच लिया, पर कम थोड़ा औखा है। वह औखा सौखा फिर सोचांगे, पहले पता तो लगे करना की है। पहला तो यह करना है कि वो गीत ते मेहरा परिवार वालों के विच पक्का पार पा देना है, ताकि एक दूजे तो इन्ने दूर हो जाए तो दोबारा एक दूजे के नेड़े ना आ सकन। ठीक है
होर की करना? होर ये कि मैनू मल्हार नू मनाना पड़ेगा ताकि वो किसी भी तरह मेरे नाल व्याह करा लवे। बस ये दो काम हो जानता फिर ना तो गीत मेहरा परिवार भी आ सकेगी ते ना ही मल्हार की जिंदगी का हिस्सा बनेगी। फिर वो गीत ते उहदे मुंडे नू किसी भी तरह वापस दिल्ली जाना ही पड़ेगा। आ गल तो तेरी सही है। ठीक है तो उधर मल्हार नू सांभ, इधर बाकी मेहरा परिवार वाले नू सांभांगी मैं। साडा एक कम करेगा रॉकी। रॉकी पर वो क्यों कम पुआ? मैं दसदी हाँ जिंदगी भी बड़े अजीब खेल खेडती है मल्हार जी। किसी ना किसी बहाने थोड़िया यादा ताजिया कर देंदी है। अज भी एक याद ताज़ा हो गई। किसी का मंगलसूत्र रह गया सी रेस्टोरेंट विच ते वह मेरे हाथ आ गया ते उस मंगलसूत्र नू देख के पता नहीं क्यों मैनू इदा लग्या कि तुसी मेरे बहुत नेड़े हो। शायद इसलिए कि वह मंगलसूत्र बिल्कुल उस तरह का सी जिदा का तुहानू पसंद सी। रब जाने के दा मंगल सूत्र है मंगल सूत्र कितने गया जड़ा मैं सिमोन वास्ते लेंदा सी कि लाभ ही नहीं रहा। कितने वो रेस्टोरेंट से तो नहीं रह गया? फोन करके पूछता मैं, नंबर इंटरनेट तो लाप ही जाएगा कि नाम सी उहदा लाप क्या। अब हेलो खाना खजाना रेस्टोरेंट, इदां दी पता नहीं केड़ी गल करनी जेड़ी गल करने वास्ते मैनू दोवां ने इत्थे बुलाया। मैनू बुला लिया ते आप दोवें पता नहीं कित्थे गायब हो गई। कित्थे गायब नहीं होईयां असी, इत्थे ही आं। लग गया उहदा वेल, मैनू इत्थे छेती बुला के ते आप जिन्हां ने गल करनी उह मैथों बाद च तुरियां आउंदियां ने। इक तां इस मौन दा नहीं पता लगदा, पता नहीं इहने किहड़ी नौकरी शुरू कीती है कि हर वेले घरों गायब रहिंदी है। नहीं तूं मैथों किहड़ा काम करवाउणा घर बिठा के? मैं तेरे तो कुछ नहीं करवाना, पर तेन नौकरी करने की लोड़ पई है, तेनू कोई पैसे की घाट है? पैसा सब कुछ नहीं होंदा रॉकी, मैं तो बस घर बैठी बोर हो रही सी, नौकरी तो मैं अपनी खुशी लिए कर रही हूँ। अच्छा जे तुहाडिया खचर पचर खत्म हो गई हो तो आप असली गल कर ली है? हाँ हाँ दसो की गल करनी है। देख रॉकी इन्ना कु तां तेनू पता ही है कि वड्डे भाई साहब तो बाकी घर वाले अजकल गीत तो नाराज रहिंदे ने,
हाँ मैं पता है, इस करके सिमोन नाल चंगे तरीके नाल गल करदे। हाँ ते सिमोन नाल इन्नियां मिठियां मिठियां गल्लां करन दा होर कोई कारण नहीं है उन्हां कोल। पर ये मिठियां मिठियां गल्लां उदों तक ही कर रहे ने जदों तक वो गीत नाल गुस्से ने। जदों उन्हां सारयां दी ये नाराजगी दूर हो गई तो फिर मैं कौन ते सिमोन कौन। बस यही काम असी होण नहीं देना। की मतलब? देख रॉकी, अजे तो गीत ते मेहरा परिवार वाले दे विच छोटी जी तरेड़ है, पर असी इस तरेड़ दी थां ते पाड़ पाणा है। एहो जिहा पाड़ जिहड़ा कदे पूरा ना होवे, कि ओह गीत कदे दुबारा इस मेहरा परिवार वाले दे नेड़े ना आ सके। आ गल कीती तुसीं पते वाले, वैसे कम होऊगा किदां? पर जिदा जिदा मैं कहांगी बस जी उदा उदा करेंगा, यह काम भी हो ही जाऊगा। ए तू की कह रहे रोकी, तू मैनू इदां दा बंदा समझदा? सही गल है रोकी, यह तो तू हद ही कर दिती है। तू सोच भी किदां लिया कि असी तेरी इस गल ही राजी हो जावांगे? हाँ रोकी, यह गल सही है कि सानू गीत उत्ते गुस्सा चढ़िया होया, पर इहदा मतलब यह नहीं है कि असी इहनू जान बुझ के कोई नुकसान पहुँचावांगे। तुसी तां मेरा दिल ही तोड़ दिता, सच्ची बहुत दुख लग्या मैनू। तुसी मेरे बारे इदां सोचदे हो? मैं कदे भी नहीं सी सोचे। तुसी आप ही कहा सी ना कि मैं ते सिमोन ही हुण इस घर दे नूं पोता, ते मैं सोचिया चलो जाके मैं तुहाडी मदद कर दां, पर तुसी सारा दोष ही मेरे सिर ही मड़न लग पए। तू गल ही इदां दी कीती है, होर तैनू की जवाब देईए? इस हिसाब नाल तां गल तुसी भी इदां दी कीती सी ताया जी। तुसी आप ही कहा सी ना कि तुसी चाहुंदे हो कि दादी मां नूं उहनां दी करनी दी सज़ा भुगतनी पवे। हाँ कहा सी, मैं हुण भी कहना यह सारा पुआड़ा शकुंतला मेहरा दा पाया होया है, इसदा उसनूं खामियाजा भुगतना पैणा है। बस आही सुन के तुहानूं सलाह दित्ती सी कि दादी मां नूं सिर्फ डराउणा है, उहनां नूं गीत दी जिन्नी फिक्र होऊगी उन्ना ही उहनां दा दिल दुखूगा। तू यह कह रहा है शकुंतला मेहरा नूं सबक सिखाउण लई गीत नूं नुकसान पहुँचाना पेगा? ये तो इदा कहूगा ही, वगदी गंगा च हाथ तो उन्नू जो फिरदा है, जो तू साडे नाल कीता है ना रोकी सब याद है सानू, असी वह भी गल नहीं भुले रोकी, नाले तेरे नाल दिल का रिश्ता नहीं जोड़िया असी, एड्डी वड्डी गल तू किदां कर सकदा? मैं हजे कहा ही की है, तुसीं मेरी पूरी गल ही नहीं सुनी, एवें मेरे गल पई जाने। अच्छा चल कर अपनी गल पूरी, की कहना है तू? देखो रूबी चाची, मैं ये नहीं कह रहा कि गीत नूं कोई नुकसान पहुँचाओ, मैं तो बस तुहानूं नाटक करन लई कह रहा। नाटक? ओ किदां? तुसी ये गल करनी है बस दादी मां नूं सुनाउण लई, फिर देखियो दादी मां नूं किदां हत्थां पैरां दीआं पैंदीआं। मैं तो बस ये कहना सीगा, पर तुसी मेरे बारे तो होर ही कुछ सोच रहे हो। तुहानूं लग रहा कि मैं गीत नूं कोई नुकसान पहुँचाऊँगा? तुहानूं लगता कि मैं गीत नूं मारूँगा? मैं कोई कातल थोड़ी हाँ। असी कुछ नहीं कहना गीत नूं, बस दादी मां नूं डराउणा है, जिन्ना उन्हां दी फिक्र करनगे उन्नी दुखी होऊगी। उहदे नाल होऊगा कि ओपरे घर च लगी अग बसंतर वांग लगदी है चाचा जी, जदों इही अग अपने घर विच लगदी है अकल तां फेर आउंदी है। जदों दादी मां दुखी होऊगी ना फिर उन्हां नूं पता लगूगा कि उन्हां दे करके आपां किन्ने दुखी ते परेशान हां। बस दादी मां नूं डराउणा है, फिर उन्हां नूं सच्चो सच दस दिओ कि गीत नूं कोई खतरा नहीं, फिर आपे समझा दिओ, फिर उन्हां नूं पता लगू तुहाडे दिल दा हाल। मैं तां बस यही कहना सी, जे फिर भी मैं तुहानूं चंगा नहीं लगता तां ना मन्नो मेरी गल, मैं कड़ा जबरदस्ती कर रहा तुहाडे नाल कोई गल तां तुम्हें ठीक कर रहे हैं। सियाणे कहिंदे ने जे कि उह सिद्धी उंगली नाल ना निकले ते उंगल टेढ़ी कर लेनी चाहिए है। जे के साहब इहदा मतलब तुसी रोके दी गल मन्नोगे? साडे कोल होर कोई तरीका भी तो नहीं है जसनीत जी, शकुंतला मेहरा जी नूं उहदी भाषा विच ही जवाब देना पएगा। रोकी जो कह रहा है सानूं उहदी गल मान लेनी चाहिए है। वाह सत्कारयोग ताया जी,
तुहानू तां माड़ा जिहा चोगा पाया ते तुसी चुंझ भी मार ली, बड़ी छेती फस गए मेरे जाल विच।